ओके सो हाय एवरीबॉडी, ठीक है, वी आर बैक। और इस सेशन के अंदर हम मंडे रिविजन ले रहे हैं सिकरा का, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सो अगेन नमस्ते एवरीबॉडी। मई 19, अगर आपकी बैच मई 19 में किया था, हाँ, आपको नया क्वेश्चन बैंक बाय करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, जिसने भी पूछा है। चलो मैं सिकरा के रिवीजन के साथ शुरू कर रहा हूँ, बिना समय गवाए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, पहले मैं सिकरा के लिए थोड़ा सा पीपीटी ओपन कर लूँ। वेट, चलो सबसे पहली चीज है सिकरा के अंदर जो सबसे काम की है कि सिकरा किस किस को नहीं लगता। ठीक है, सिकरा ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए बना हुआ है, पर बेसिकली सिकरा का नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट मतलब सिक्योरिटीज और उससे रिगार्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट और उसके रेगुलेशन। पर सिक्योरिटीज के मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे इंडिया में ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, इसलिए सिकरा सीधा स्टॉक एक्सचेंज को लगता है। पर कौन से सिक्योरिटीज को सिकरा स्पेसिफिकली नहीं लगता, इसके बारे में डिटेलिंग दिया गया है। वैसे तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड कुछ केसेस में, लेकिन गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को ये नहीं लगता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी लोकल अथॉरिटी या आरबीआई ने या किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने या स्पेशल लॉ के अंदर अगर इनमें से किसी ने भी कोई सिक्योरिटीज इशू किए हैं, ठीक है, और कोई पर्सन उन सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, उन इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहा है, या वो सिक्योरिटीज किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेजरी बिल्स दिए, बाद में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करवा दिए, तो इनमें से किसी भी सिचुएशन को सिकरा अप्लीकेबल नहीं होता। एग्जाम में 3-4 बार सवाल पूछा गया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेट, मेरे को बोलते ही नहीं आता ये, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर इशू किए बॉन्ड्स, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या उसको सिकरा एप्लीकेबल होगा? नहीं, वो सिक्योरिटी है पर सिकरा एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स इशू किए, इसके ऊपर भी सवाल पूछा है क्या अप्लाई होगा? नहीं। आरबीआई के गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इनको सिकरा अप्लाई होगा? नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फंड रेज करने के लिए, पुल बांधने के लिए या रोड्स बनाने के लिए कुछ सिक्योरिटीज इशू किए, क्या सिकरा अप्लाई होगा? नहीं। तो गवर्नमेंट गिल्टेड सिक्योरिटी उसको सिकरा अप्लाई नहीं होता, यह पहला स्टेटमेंट। फिर जाते हैं दूसरे केस के ऊपर, कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन। मैंने ऑलरेडी सेबी के हिस्ट्री में, इसलिए सेबी के हिस्ट्री काम की है। कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन मतलब एक्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो एओपीबीवाई है उसको कन्वर्ट कर दो कंपनी में, और वो स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स है, जो पहले ओनर भी थे, जो पहले ट्रेडिंग भी करते थे, जो पहले रिपोर्टिंग भी लेते थे, जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस वहां ज्यादा होते थे, इन मेंबर्स को डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, सो एज टू रिड्यूस द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है ओनर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर आपने 3 बोला तो मैनेजमेंट 1 है, ओनर्स में 2 है बेटा, ठीक है, ओनर्स में है डिसीजन मेकिंग ओनर्स और ट्रेडिंग ओनर्स, ये 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसमें से सिर्फ स्पेसिफिक लोग ट्रेड कर सकते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के पास ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा। ये चीज को बड़े अच्छे समझना, पब्लिक को समझ में नहीं आता स्टूडेंट को कॉर्पोरेटाइजेशन डिमिचुलाइजेशन क्या है, अभी पढ़ लेते हैं हवा में, ठीक है, तो बड़े अच्छे से सुनना। सबसे पहले Who can make decision? Governing body management है तो कर सकती है, decision making owner को तो decision के लिए बनाया गया है इसलिए कर सकते हैं, ट्रेडिंग ओनर्स ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते बिकॉज ये ट्रेड करते हैं, ये स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देते हैं, इन्वेस्टर के पास लेके जाते हैं, पर ये ट्रेडिंग करते हैं इसलिए इनके पास इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा, नहीं तो इससे इनसाइडर ट्रेडिंग बढ़ जाएगा। हु कैन हैव प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? गवर्निंग बॉडी के पास रह सकती है, डिसीजन मेकिंग ओनर के पास रह सकती है, ट्रेडिंग ओनर के पास नहीं रह सकती, ये चीज को याद रखना है। हु कैन ट्रेड? गवर्निंग बॉडी कभी ट्रेड नहीं कर सकती, डिसीजन मेकिंग मेंबर्स भी ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ये लोगों के पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग ओनर्स ये ट्रेड जरूर कर सकते हैं। Who are stock broker? Governing body is not stock broker. Decision making owner is not stock broker. Trading owners are stock broker. जैसे इंडिया बुल, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, IIFL, ये सब लोग, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, SBI सिक्योरिटी, ये सब लोग, ये सब के सब BSE NSE के ट्रेडिंग मेंबर्स है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग ओनर्स है, ये चीज को याद रखना, इन्होंने BSE NSE के शेयर होल्ड करके रखे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग गवर्निंग बॉडी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग ओनर के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए बिकॉज उनको डिसीजन मेकिंग करना है। ट्रेडिंग ओनर के पास 49% मैक्सिमम हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्निंग बॉडी यहां तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग ओनर्स के 3/4 रिप्रेजेंटेटिव गवर्निंग बॉडी पर रहने चाहिए, ट्रेडिंग ओनर्स के मैक्सिमम 1/4 रहेंगे, नहीं तो इनसाइडर ट्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये चीज को याद रखना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटकन।
ले लिया सबने, बहुत बढ़िया। अगला फिर आता है कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन प्रोसेस के वजह से बहुत सारे इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन रुक गए, जिस वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये प्रोसेस को कर दिया है बेटा कंपलसरी। ये प्रोसेस कंपलसरी किया है, हर स्टॉक एक्सचेंज आज के डेट में एओपी बीओआई नहीं हो सकता, ये कंपनी ही रहेगा। 25 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट मेरे ओरिजिनल बुक के अंदर देके रखा है, सभी के सभी लिमिटेड कंपनीज है। तो आज के डेट में तो हम स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते विदाउट लिमिटेड कंपनी, अगर किया भी हो तो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन पहली नेसेसिटी होती है। अगर आपने कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन नहीं किया, फेलियर हो गए, तो आपका स्टॉक एक्सचेंज डीरेकग्नाइज होगा, और अगर आपने कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन कर लिया तो पब्लिश किया जाएगा दो जगह पे, ऑफिशियल गैजेट। सिक्रा का पब्लिकेशन याद रखना है कॉमन पब्लिकेशन है, कुछ भी हो स्टॉक एक्सचेंज में चार जगह पे पब्लिश करना है, दो कैटेगरीज में, ऑफिशियल गैजेट स्टेट वाला, सेंटर वाला, न्यूज़पेपर इंग्लिश और रीजनल, इस केस में पब्लिश करना है। स्क्रीनशॉट ले लो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन। चलो डन एवरीबॉडी, समझ में आया पक्का, बहुत बढ़िया। ये चीज होने के बाद में अब मैं शुरू कर रहा हूं सिकरा के रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिनके पास जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनके बूस्टर बुक में मैंने ऐसे कॉलम्स करके दिए हैं, हालांकि क्लास के अंदर भी हमने बेटा ऐसा ही लिखा है अगर आपको याद होगा तो। देखिए बूस्टर बुक के अंदर मैंने कुछ ऐसे कॉलम्स करके दिए हैं, कैन यू सी दिस, ये कॉलम्स जानबूझ के करके दिए हैं फटाफट रिवीजन के लिए, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। जिनके पास नहीं है वो सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दे, कंसेप्चुअली वो रिवाइज कर ले, काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से बूस्टर बुक लेके उससे देख सकते हो तो इससे आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा बेटा, ठीक है। लेट्स गो। रिकॉग्निशन एंड डीरेकग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सीजी को अप्लाई करेगा, लेकिन सीजी ने पावर डेलीगेट करके रखा है सेबी को। स्टॉक एक्सचेंज खुद के बायलॉज देगा, एमओए एओए देगा, रूल्स देगा, फॉर्म ए में सबमिट करेगा, रुपीज का फीस है 500, बहुत टुच्चा सा फी है, कती घटिया फी है, 1956 से लेकर अभी तक चलता आ रहा है, कती घटिया फी है। आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे अमेंडमेंट में बीच में अमेंड हुआ था, पहले तो बहुत कम था, अभी तो 500 हुआ है, ठीक है फाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन दे सकती है अगर उसके बायलॉज कंफर्मिटी में है विद प्रिस्क्राइब कंडीशन, अगर वो कंप्लाई करता है प्रिस्क्राइब कंडीशन तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है। याद है मैंने आपको ऑथराइज्ड पर्सन अपॉइंट करते वक्त चार कॉमन पॉइंट्स बोले थे, वो चार कॉमन पॉइंट्स अगर आपको याद है तो, पब्लिक इंटरेस्ट, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, याद है सबको, कमेंट में डालो बेनिफिशियरी इंटरेस्ट कमेंट में डालो, उसके बाद में कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस एंड डायरेक्शन एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ, ये चार कॉमन पॉइंट्स के ऊपर ही हम रिकॉग्निशन देते हैं। सेम चार कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन डायरेक्टर एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज, फिर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं। जब आपको रिकॉग्निशन का अप्रूवल देंगे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज, डीरेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा, ये इलीगल है, ये नॉर्मली सीजी अलाउ नहीं करता। अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन बोली जा सकती है, जैसे आपके स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन बनेगा, कौन किसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हम डिस्कस करने वाले, बहुत लंबा चौड़ा चार्ट आएगा लेकिन सिकरा के एंड में आएगा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। दूसरा, manner in which contract shall be entered and enforced between the members, representation of the central government to board of exchange, maintenance of accounts of the members and their audit, ये सब चीजें हम यहां पे condition wise बोल सकते हैं, otherwise आपका stock exchange derecognize भी किया जा सकता है, clear है? Recognition, derecognition जो भी हो publish करना है official gazette, central वाला, state वाला, English और regional newspaper, concept समझ में आया? Section 3 से 4, clear है? Section 6 and 7, Section 5 बीच में skip कर दिया है, सेक्शन 6 और 7 के ऊपर स्ट्रेट अवे हम आए हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ये चीज को मैं थोड़ा सा मेरे नोट्स में से पढ़ना चाहूंगा, आ जाइए बच्चों। ठीक है, ये आया 6 और 7। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शुड फर्निश अ पीरियोडिकल रिटर्न्स टू सेबी, पीरियोडिकल रिटर्न्स आप हमेशा सिर्फ सेबी को दोगे, मैं चाहिए तो ऐसे नहीं समझाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। आ जाइए बोर्ड के ऊपर, मैं इसको समझाता भी हूं डायग्राम के साथ में तो ये आसानी से समझ में आएगा। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो दो टाइप के रिटर्न देता है, एक देता है पीरियोडिकल रिटर्न जैसे 6 मंथ्सली, क्वार्टरली, मंथली ऐसा, और एक होता है एनुअल रिटर्न। यह बात याद रखना है, पीरियोडिकल रिटर्न आप सिर्फ सेबी को दोगे, एनुअल रिटर्न आप सेबी और सीजी दोनों को दोगे, सीजी को पीरियोडिकल रिटर्न नहीं जाता। ये पीरियोडिकल रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो भी बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स
स्टॉक एक्सचेंज ने खुद ने भी मेंटेन करने हैं और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ने भी मेंटेन करने हैं, और ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू मेंटेन फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि बैंक के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 5 ईयर्स के लिए मेंटेन होते हैं, ये भी 5 ईयर्स के लिए मेंटेन होंगे। इसके बेसिस पे अगर कभी सेबी को लगता है कि वो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करे इन बुक्स के और रिपोर्ट्स के ऊपर, सेबी को लगता है कोई फ्रॉड है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो सेबी दो चीजें कर सकता है। पहले तो सेबी सिर्फ डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन करेगा, सस्पिशन के बेसिस पे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिमांड होगा सबसे पहले सस्पिशन के बेसिस पे, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है। और फिर आपको सेबी का 15C इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस लग जाएगा कंपनी को, तो इज द ड्यूटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू कंप्लाई द सेम, ये चीज को याद रखना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। डेफिनेशंस कवर नहीं होंगे धर्मिल, ये आपको जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम कवर कर रहे हैं, बाकी डेफिनेशन हम कवर नहीं कर रहे क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर सवाल नहीं आते आजकल। चलो डन, सभी प्रैक्टिकल केस स्टडी आती है, डेफिनेशन पे कोई सवाल नहीं पूछता। 6 और 7 हो गया, 6 और 7 होने के बाद में 8 पावर ऑफ सीजी टू मेक द रूल्स, साथ में ले रहा हूं पावर ऑफ सेबी टू मेक द रूल्स, दोनों का साथ में कंपेयर कर रहा हूं, सो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहली बात स्टॉक एक्सचेंज, जब मैं बोलता पावर टू मेक अ रूल्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एओए, वी आर टॉकिंग अबाउट बायलॉज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग रूल्स जो है हम उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले स्टॉक एक्सचेंज ये शुरू हुआ करता था, हेलो पेन गया, सो पावर ऑफ सीजी टू मेक द रूल्स, बड़े अच्छे से ध्यान देना। हम यहां रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एओए की बात नहीं कर रहे, हम स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर स्टॉक एक्सचेंज को बायलॉज को अमेंड करना है तो यहां पे सीजी ऑर्डर पास कर सकता है, खुद के हिसाब से ऑर्डर पास कर सकता है बायलॉज को अमेंड करने का। पहले स्टॉक एक्सचेंज 11 बजे शुरू होते थे, फिर वो पीरियड बैंकिंग पीरियड के हिसाब से चेंज कर दिया गया 10 बजे, और अभी 9:30 बजे। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना? तो सीजी के ऑर्डर से हम अमेंड कर सकते हैं बायलॉज को। जब आप बायलॉज के अमेंडमेंट का ऑर्डर पास करते हो तो यह चीज आपने बतानी है कि किस टाइप का अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट के पीछे का रीजन क्या है। ये सीजी सुमोटो भी कर सकता है या सीजी को किसी ने एप्लीकेशन दिया तो भी कर सकता है। मैं रेगुलर बैच में इसका थोड़ा डिफरेंट चार्ट बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अमेंडमेंट आप बोलोगे, अमेंडमेंट प्लस रीजन दोनों देना जरूरी है, ये स्टॉक एक्सचेंज ने इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज अगर 2 मंथ्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं करता तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इंप्लीमेंटेशन करवा लेगा और फिर इसको पब्लिश करेगा कि क्या चेंजेस किए हैं। सेबी अगर बायलॉज चेंज करना चाहता है तो ये थोड़ा सा अलग है, सेक्शन नंबर 9 और 8A कंबाइन किए गए हैं, 10 अलग से है तो 9 मत पूछना। सेबी अगर बायलॉज को अमेंड करना चाहता है तो सेबी दो तरीके से कर सकता है, एक तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज खुद अप्लाई कर रहा है सेबी को, एप्लीकेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी स्टॉक एक्सचेंज खुद सेबी को अप्लाई कर रहा है बायलॉज चेंज करने हैं, या तो फिर दूसरा सेबी इसको कर सकता है सुमोटो, स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई कर रहा है तो हम उसको रीजन नहीं देते हैं, अगर सेबी खुद सुमोटो कर रहा है तो हम साथ में रीजन देते हैं। जो भी सिचुएशन हो हम ऑर्डर पास करेंगे अमेंडमेंट का,
ये ऑर्डर से भी ऑर्डर पास करेगा अमेंडमेंट का जो इंप्लीमेंट करना है स्टॉक एक्सचेंज ने। जो स्टॉक एक्सचेंज 2 महीने में इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में सेबी खुद इंप्लीमेंट करवा लेगा और फिर इसको पब्लिश करेगा। ये चीज को आपने याद रखना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। कड़ी संपली नहीं, क्या क्या लिख रहे हो वहां पे? चाइना निकम्मो। चलो बहुत बढ़िया, हो गया सबका क्लिक करके। सो सेक्शन 9 और 10 हो गए। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जो रीडिंग वाले है उसको थोड़ा सा छोड़ देना। अब जैसे 11 कोई सेंस नहीं है तो छोड़ दो। 8 और 9 कंबाइन है, 10 और 11 कंबाइन है, तो हो गया। अगला 12, पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। आपको शायद पता नहीं होगा, हर्षद मेहता ने जब फ्रॉड किया तो स्टॉक एक्सचेंज 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था, पूरा 1 मंथ। हर बार जब इलेक्शन होता है तो 4 दिन के लिए स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंड होता है। 1993 में दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो उस केस में स्टॉक एक्सचेंज 10 दिन के लिए बंद किया था। ये पावर है सीजी का। नॉर्मल पहला बंद शटडाउन 7 दिन के लिए किया जाता है, उसके बाद का जो भी शटडाउन है वो टेंटेटिवली किया जाता है, जितना भी पीरियड सीजी एक्सटेंड करना चाहे उतने बार। सीजी ऐसे केसेस में ट्रेडिंग फ्लोर भी बंद करवा सकता है सर, पूरा स्टॉक एक्सचेंज नहीं। जैसे अभी कोरोना का ये चल रहा है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट नहीं, लॉकडाउन, माय मिस्टेक, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन के केस में आप ट्रेडिंग फ्लोर जो है बीएससी का, मतलब दलाल स्ट्रीट के ऊपर जो ट्रेडिंग फ्लोर है जहां इन्वेस्टर जमा होते हैं, वो ट्रेडिंग फ्लोर आप क्लोज कर सकते हो। सभी ट्रेडर्स घर से ट्रेड करेंगे, आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट शुरू है, हम लेक्चर ले सकते हैं, तो ट्रेड तो जरूर कर ही सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। यह है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के बाद आता है सुपर सीडिंग द स्टॉक एक्सचेंज। जब हम बोलते हैं सुपर सीडिंग द स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सुपर सीडिंग स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इट इज सुपर सीडिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कुछ चीजें याद रखना। सबसे पहला, अगर गवर्निंग बॉडी फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है, गवर्निंग बॉडी पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, गवर्निंग बॉडी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, गवर्निंग बॉडी कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, गवर्निंग बॉडी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, या गवर्निंग बॉडी लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा है, या ऐसा कोई सिचुएशन हो गया जिसमें जो गवर्निंग बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल है, इन सब सिचुएशन में सीजी ऑर्डर पास कर सकता है टू कंक्लूड द गवर्निंग बॉडी या टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी, बट साथ में देना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे ही गवर्निंग बॉडी सुपरसीड होगा, ओल्ड सभी के सभी गवर्निंग बॉडी के मेंबर ऑफिस वैकेट करेंगे और फिर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स न्यू गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यह चीज को याद रखना, बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो डन। यह चीज होने के बाद में अगला, टाइटल टू डिविडेंड्स एंड राइट टू रिसीव द इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, सबसे पहले अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उस पीरियड में किसी शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर किए, तो ऐसे सिचुएशन में जो ट्रांसफर ही है, जिसको शेयर ट्रांसफर हुआ, उसने 15 डेज के अंदर कंपनी को अप्लाई करना चाहिए, मुझे डिविडेंड चाहिए। अगर उसको 15 डेज से अगर उसने अप्लाई कर दिया तो डिविडेंड ट्रांसफर को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रांसफर हूं, आप ट्रांसफर हो, मैंने कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मैंने आपको ट्रांसफर किए शेयर्स। ठीक है, आपने 15 डेज में अप्लाई करना है, जैसे ही आपके पास शेयर पहुंच जाए, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए वहां से 15 डेज में, कि आपको डिविडेंड चाहिए। आपने अप्लाई किया, आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 15 डेज में आपने अप्लाई नहीं किया, तो मैं आपसे पूछूंगा, क्यों भाई, क्यों अप्लाई नहीं किया? आप बोले, वो जो ट्रांसफर डीड थी ना, गुम गई। मैं बोला, बढ़िया। आप बोले, आपने ट्रांसफर डीड पोस्ट के थ्रू भेजी, स्पीड पोस्ट से, मेरे को मिली ही नहीं, स्लो पोस्ट हो गया, स्पीड तो ही नहीं, या तो फिर डेथ ऑफ ट्रांसफर, आप नहीं मर गए, सॉरी ऐसा बोल नहीं सकता मैं, जिसको ट्रांसफर किया वो निपट गया। क्लियर है कांसेप्ट? तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बोलूं, तो इस सिचुएशन के अंदर आपका राइट है कि आप डिविडेंड लो, इसलिए फिर भी डिविडेंड आपको मिलेगा। लेकिन अगर 15 डेज से ज्यादा डिले है और ये 3 रीजंस नहीं है, ये 3 रीजन छोड़ के कुछ और है, 2 कंडीशन, 15 डेज से ज्यादा डिले और ये 3 रीजंस नहीं है, कोई और कंडीशन है, तो डिविडेंड मुझे मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हायर ट्रांसफर हैव राइट ओवर द डिविडेंड। ये सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं लगता, कई बार इंस्टीट्यूट इसको म्यूचुअल फंड का इनकम करके पूछती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का इनकम कैसे क्लेम करे ये करके पूछती है। बच्चों को समझ में नहीं आता, और ये तो सिलेबस में नहीं था, सिलेबस में था तुमने पढ़ा नहीं। डिविडेंड के लिए सेम म्यूचुअल फंड को इनकम को भी लगता है। स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन। चलो हो गया सबका, हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगली चीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एग्जैक्टली क्या है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी खुद का एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि एनएससी का जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना था तब बॉम्बे बीएससी का नहीं बना था, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो जरा ध्यान देना, एनएससी के पास एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। अब डिफरेंस क्या है, लेट्स इमेजिन, वैसे मैं बोल रहा हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, सीसी है, पर हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक गवर्निंग बॉडी है। जब नॉर्मली किसी स्टॉक एक्सचेंज का एक गवर्निंग बॉडी होता है उसके पास दो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन होता है रिकॉर्डिंग फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है क्लियरिंग फंक्शन। रिकॉर्डिंग फंक्शन मतलब जब आपके पास सिक्योरिटीज का ऑर्डर आता है परचेस या सेल का, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। और फिर T+2 days में आप उसको क्लियर करते हो, मतलब सेटल करते हो, मतलब एक तो आप शेयर्स की डिलीवरी दोगे परचेस किया है तो, या आप पेमेंट दोगे अगर सेल किया है तो। ये काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। साथ में इन्वेस्टर के कोई कंप्लेन्स वगैरह है तो वो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी सॉल्व करता है, क्लियरिंग हाउस सॉल्व करता है। तो इस हाउस को कहते हैं आरएच, रिकॉर्डिंग हाउस। इस हाउस को कहते हैं क्लियरिंग हाउस, सीएच। एनएससी ने फॉर एग्जांपल, ऐसा बीएससी में भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है पर एनएससी के लिए एग्जांपल के तौर पे लिया है, एनएससी ने एक कंपनी बना के रखा है एनएससीसीएल, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इसको सर्च कर सकते हो, बीएससी का भी सर्च कर सकते हो। एनएससी का खुद का गवर्निंग बॉडी है, वैसे ही एनएससीसीएल का खुद का गवर्निंग बॉडी है। एनएससी सिर्फ रिकॉर्डिंग हाउस लेके बैठा है जिसके अंदर वो सिर्फ ऑर्डर लेता है, जो ऑर्डर एक तो परचेस के है या फिर वो ऑर्डर सेल के है। फिर T+2 days में ये ऑर्डर ट्रांसफर होते हैं क्लियरिंग हाउस के गवर्निंग बॉडी को, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और वो इसको सेटल करता है। सेटलमेंट में एक तो वो डिलीवरी देता है या फिर पेमेंट देता है, साथ में इन्वेस्टर की कंप्लेन सॉल्व करता है। जो जो कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज के बिहाफ पे ऑर्डर सेटलमेंट और कंप्लेन इंटरटेनमेंट का काम करेगा, हम उसको कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप करने के लिए सेबी का अप्रूवल लगता है, बिना सेबी अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स ले लो, गो फॉर इट फास्ट, डन। आफ्टर दिस सेक्शन 7A रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स, जिसके अंदर बोला गया है स्टॉक एक्सचेंज कभी भी खुद के रूल्स अमेंड कर सकता है जिसके अंदर मेंबर्स के वोटिंग राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जिस हिसाब से भी चाहिए। दूसरा, वोटिंग राइट स्पेसिफाई कर सकता है कि एक मेंबर एक ही वोट कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर, और नॉर्मली आज के डेट में प्रैक्टिकली हर स्टॉक एक्सचेंज में एक मेंबर को एक ही वोट है इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द मेंबर अपॉइंट अनदर पर्सन एज इज प्रॉक्सी, किसी दूसरे पर्सन को एज अ प्रॉक्सी करके अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी बताया जाता है। या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो पहले 3 orders को सपोर्ट कर सकता है, ये भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। फिलहाल सभी स्टॉक एक्सचेंज 1 member 1 voting right के ऊपर चलते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यहां मेन मेन कंसेप्ट हो गए, अब थोड़े से सप्लीमेंट्री कंसेप्ट को हम कवर कर ले। एक सेक्शन है जिसके अंदर लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है कि स्टॉक एक्सचेंज कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक तो प्रोहिबिटेड, वॉइड या इलीगल करार दे सकता है अगर उन्हें डाउट है किसी ज्योग्राफिक लोकेशन में या किसी इंडस्ट्री में या किसी मार्केट में उन शेयर्स के अंदर फ्रॉड हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है। यह सेक्शन 13 में बोला है और इसके हिसाब से सेक्शन 17 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग रिगार्डिंग द सेम। कुछ पब्लिकेशन में यह दिया है, कुछ में नहीं दिया है, इसलिए उसको छोड़ देना। आगे सेक्शन 17 और 13 देखो, ये डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ज्योग्राफिकल एरिया और इंडस्ट्रियल एरियाज, प्रोहिबिट और प्रिकॉशन, द प्रोहिबिट विच इज अ प्रिकॉशन, वॉइड इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड इलीगल इज अ प्रिकॉशन एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग अ ट्रांजेक्शन टू बी वॉइड और इलीगल। ये पब्लिक इंटरेस्ट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट में ही किया जाता है, क्लियर है। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन 8A में हमने देख लिया पावर टू इश्यू डायरेक्शन, वो तो सेबी के पास ऑलरेडी पता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, छोटा सा कंसेप्ट है,
अब सिंपल सी बात है, समझो तुम्हारे घर का रूम है, वहां सब ट्रेडर है। गुरु मूवी देखा है? गुरु मूवी में एक सीन है कोलकाता में, वो एक कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज में जाता है, जहां एक रूम में सफेद कपड़े पहन के सब लोग रस्सियां पकड़ के खड़े होते हैं ब्रोकर्स, और वो रेट चिल्लाता है जोर से। उस एरिया में बहुत गर्दी होती है उस छोटे से रूम में। अब अगर आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, और आपको लगता है कि यार नहीं हमें एक और जगह की जरूरत है जहां लोग आके ट्रेड कर सके, तो उसे एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर कहते हैं। ये सेबी के अप्रूवल के साथ आप सेटअप कर सकते हो, ये बोला गया है। फिर एक प्रोविजन है, मेंबर शॉल नॉट एक्ट एज अ प्रिंसिपल। स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी ट्रेडिंग मेंबर है या कोई भी मेंबर है जो नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करता, अब वो अगर खुद ट्रेड कर रहा है शेयर्स में, तो उसने सामने वाले पार्टी को 3 दिन में डिस्क्लोज करना है, या कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले डिस्क्लोज करना है कि वो ब्रोकर नहीं है, वो खुद इन्वेस्टर है और वो ट्रेड कर रहा है। ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के सिचुएशन में, मेंबर टू मेंबर डीलिंग में, मेंबर टू थर्ड पार्टी डीलिंग में, सब में ये करना है। फिर लिस्टिंग और डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का अपील हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। दो टाइप के अपील है सेबी के अंदर, सो लिस्टिंग डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक, और दूसरा उधर वाला अपील, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया सबने, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में अगली चीज आती है टाइटल टू डिविडेंड, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है टाइटल टू डिविडेंड। फिर आते हैं पेनॉल्टीज। सिकरा के अंदर जो पेनॉल्टीज है वो सिमिलर सेबी जैसे है, टेंटेटिवली 23C तक। उसके बाद में 23D इज रिगार्डिंग डिविजन ऑफ मनी, डिविजन ऑफ मनी, डी फॉर डिविजन ऑफ मनी याद रखना, वहां डी फॉर दर्शन म्यूचुअल फंड था, यहां डी फॉर डिविजन ऑफ मनी है। जिसके अंदर अगर आप क्लाइंट का पैसा, ब्रोकर क्लाइंट का पैसा और खुद का पैसा सेपरेट नहीं करके रखता, तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। फिर ई, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लिस्टिंग कंडीशंस और डीलिस्टिंग कंडीशंस, लिस्टिंग डीलिस्टिंग के कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे, तो 25 करोड़ का पेनल्टी है। जी, ये वाला अमेंड हुआ है, एफ के लिए मैं बोलता हूं ई, सो लिस्टिंग कंडीशन डीलिस्टिंग कंडीशन आप अगर उसको कंप्लाई नहीं करते तो ई पर से एस्केप कंडीशंस, तो ऐसे सिचुएशन में लिखो वहां पे डी फॉर डिवीजन, ई फॉर एस्केप। फिर एफ फॉर एक्सेस डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है, ठीक है, सो फार मोर डिमेटलाइजेशन इज फॉर मोर डिमेटलाइजेशन, तो ऐसे सिचुएशन में रिक्वायर्ड से ज्यादा तो 25 करोड़ का फाइन है। जी, ये वाला अमेंड हुआ है, जी वाला एक बार इसको अमेंडमेंट से ही पढ़ना प्रॉपरली, आपके पास जो है उसके अंदर मेंशन किया है कि जी का अमेंडमेंट क्या है। वन सेकंड, जस्ट होल्ड, मेरे बुक में है क्या, मैं पढ़ लेता हूं। हाँ, ई वाला अमेंड हुआ है, माय मिस्टेक, ई वाला अमेंड हुआ है, तो ई को मैं एक बार रीड कर लू वापस से। ई वाला 23E, उसके अंदर बोला है पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कंप्लाई विद लिस्टिंग कंडीशन डीलिस्टिंग कंडीशन ऑन अ ग्राउंड इफ एनी कंपनी और एनी पर्सन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिट्स इसके अंदर ऐड किया है, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यूनिट्स देता है और वो लिस्ट नहीं करता है तो उसको भी पेनल्टी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ई में 3 लोग ऐड किए गए हैं, इसको मैं साइड में लिख के रखू। सबसे पहला ऐड किया है रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फेमा के अंदर हमने देखा था रिट्स करके क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐड हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आईआईटी ट्रस्ट ऐड हुआ है। और तीसरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF, ये ऐड हुआ है। इन तीनों को भी 15E वाली, मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वालों को नहीं लगेगी, रेट्स को लगेगी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए अल्टरनेटिव, सॉरी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए लगेगी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए लगेगी। ये तीनों चीजों को आपने याद रखना और लिख लेना, इसको भी लगता है ये अमेंडमेंट आया था, ठीक है। 15E के लिए, 15E जो पेनल्टी है वो इनको भी लगती है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर जी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था आई गेस, हाँ, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अगर आप देते हो, फेलियर टू फर्निश अ पीरियोडिकल रिटर्न और गिव फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 25 करोड़ का फाइन लग सकता है। और सबसे आखिरी 23H के अंदर पेनल्टी दिया गया था कॉन्ट्रावेंशन, अच्छा 23GA करके भी एक पेनल्टी ऐड किया है, 23GA आप चाहिए तो नोट कर लो, मैं इसको एक बार बोलता हूं। वेयर स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फेल टू कंडक्ट अ बिजनेस विद इट्स मेंबर और इश्यूअर और इट्स एजेंट और अ पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर एज पर द सेबी, सो हाँ लिखना, इफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डज नॉट कंडक्ट अ बिजनेस, 23A सेक्शन नंबर है, स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डज नॉट कंडक्ट अ बिजनेस एज पर रूल्स सेट बाय सेबी, एज पर रूल्स सेट बाय सेबी और रेगुलेशन सेट बाय सेबी, जिसमें पेनल्टी है लोअर लिमिट 5 करोड़, अपर लिमिट वेरिएबल है,
जिसके अंदर 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, ये पेनल्टी है 23A का, ये नया 23GA का, सिर्फ ए नहीं GA का, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है आंसर। चल उसके बाद में 23H, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं दिया है तो ये H4 यहां पे हब हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं दिया है तो 1 करोड़ का पेनल्टी आपको लग जाएगा, ये पेनल्टी से सिकरा। सो यहां मेमोरी टेक्निक थोड़ी सी अलग हो जाती है, डी फॉर डिविजन, ई फॉर एस्केप कंडीशन, एफ फॉर फार मोर डिमेटलाइजेशन, जी फॉर गलत सलत इंफॉर्मेशन देना, बोल सकते हो जी फॉर गलत सलत इंफॉर्मेशन, जी ए फॉर, ये सेपरेटली याद रखना, इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, एंड एच फॉर हब ऑफ पेनल्टी, क्लियर है आंसर, ये चीज को याद रखना। फिर एडजुडिकेशन अपील्स, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है साइट को, ये सेबी के साथ हमने कवर किया था, जो ये लेक्चर देख रहे हैं सेबी के एंड में हमने अपील कवर किया है एलओडीआर के पहले, प्लीज इसको देखना जरूर। फिर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, मैंने फेमा के अंदर डिक्लेयर किया था कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किस तरीके से होता है, और इम्यूनिटी भी मैंने फेमा के अंदर डिक्लेयर किया था, इम्यूनिटी कैसे दिया जाता है, ये कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। इसके एडिशन में एक चीज बाकी है, सिकरा के जो आ जाइए मेंबर्स है वो किस तरीके से क्वालिफाई होते हैं, इसके ऊपर हमने एक चार्ट बनाया था, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ सिकरा, इसके लिए एक लंबा चौड़ा चार्ट है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सिकरा का क्वालिफाइड मेंबर बनना है तो ये चार्ट बना के रखा है मैंने, सबसे पहला ये स्टेप वाइज है, अगर आपको मेंबर बनना है तो स्टेप वन में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, स्टेप वन में क्वालिफाइड है तो स्टेप टू में क्वालिफाई होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप मेंबर बन सकते हो स्टेट अवे, फिर स्टेप थ्री आएगा, स्टेप फोर आएगा और स्टेप फाइव आएगा जो अलग अलग पर्सन के लिए, और स्टेप सिक्स आएगा, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, बाद में आपने स्क्रीन शॉट लेना। स्टेप वन के अंदर होल्ड लिखा हो तो देखू मैं जरा, नहीं ओके, स्टेप वन के अंदर कुछ 8-9 डिस्क्वालिफिकेशंस बोले हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कब नहीं बन सकते, इसमें वही नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन है अपने, अनसाउंड माइंड, इनसॉल्वेंट, मॉरल टप्टीट्यूड, कॉन्विक्टेड, अब्यूज, सब ऐसा 9 डिस्क्वालिफिकेशन बोले, एक बार रीड करना, वो तो आप कॉमन हो गए, वो 10-12 जगह पे आप वही पढ़ोगे पूरे सिलेबस में। अगर आप ये 9 डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए तो आप क्वालिफाइड हो, तो आप स्टेप टू में जाओगे। स्टेप टू एट टू में लिखा है कि आप वर्किंग करने चाहिए, मतलब आप तभी मेंबर बन सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर के नीचे 2 साल तक काम कर चुके हो, या तो फिर एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर चुके हो फॉर 2 ईयर्स, एक तो उसके नीचे काम कर चुके हो या एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर चुके हो, या तो फिर यू आर सक्सीडिंग टू क्लोज रिलेटिव, मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग आपके फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव मेंबर था स्टॉक एक्सचेंज का, अभी वो रिटायर हो गए, तो आप उसको सक्सीड करना चाहते हो तो आप मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन ये गवर्निंग बॉडी डिस्कार्ड भी कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज, ये चीज को याद रखना, एक तो नीचे काम करो या रिप्रेजेंटेशन में काम करो या सक्सीडिंग बनो, ये दूसरा। यहां से भी आप क्वालिफाई हुए तो आप 8(3) में आओगे, जिसके अंदर बोला है कंप्लायंस फॉर कंटिन्यूएशन, नीचे दिए गए कंडीशन का कंप्लायंस करो अगर आपको मेंबर बने रहना है तो। सीज टू बी अ सिटीजन, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आप ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट तो आप मेंबर नहीं रह पाओगे, मतलब ये कंडीशन कंप्लाई नहीं करनी है, नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन में इसको बोल सकता हूं, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये आपने कंप्लाई नहीं करना है, ठीक है। या अगर आप फ्रॉड और डिसऑनेस्ट हो तो आप मेंबर नहीं रह सकते, या आप कोई अदर बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में गवर्निंग बॉडी ने वो अलाउ किया है तो आप मेंबर रह सकते हो, गवर्निंग बॉडी ने अलाउ नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और उसके बाद में इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट के लिए अदर बिजनेस करना इज सिचुएशन जिसके अंदर मेंबरशिप छोड़ के सिचुएशन क्रिएट किया जा सकते हैं गवर्निंग बॉडी के अप्रूवल के ऊपर, ठीक है। स्टेप नंबर 4, आर्टिफिशियल पर्सन अगर कंप्लाई करता है टू बी मेंबर, ये यहां पे खत्म हुआ, नॉर्मली इंडिविजुअल्स का लिए सिचुएशन, ठीक है, थ्री में ही। फिर स्टेप नंबर 4, आर्टिफिशियल पर्सन कंप्लाई टू बी अ मेंबर, कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करने चाहिए जो शेयर होल्डर्स है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपनी के अंदर शेयर्स होने चाहिए
जो शेयर होल्डर्स है स्टॉक एक्सचेंज के, इस हिसाब से आपको इसको समझना है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक से डायग्राम में बताऊं, कंफ्यूजन हो सकता है समझने के अंदर। दर्शन इस्पात लिमिटेड इज अ मेंबर बनना चाहता है बीएससी का, ठीक है। दर्शन इस्पात लिमिटेड मेंबर बनना चाहता है बीएससी का, तो दर्शन इस्पात लिमिटेड के जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने दर्शन इस्पात लिमिटेड में भी शेयर होल्ड करने हैं, उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर होल्ड करने हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी फॉर द पर्पस ऑफ दर्शन इस्पात लिमिटेड, अगर वो कोई फ्रॉड करते हैं तो। गवर्निंग बॉडी इस केस में एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, मतलब गवर्निंग बॉडी बोल सकता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसे शेयर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की गवर्निंग बॉडी बोल सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसे शेयर नहीं होल्ड किए तो भी चल जाएगा। कौन से केसेस में? अगर वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन है, जैसे आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई, ठीक है, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सबके सब्सिडरीज, एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, रेगुलेटर, आरबीआई के अप्रूवल के साथ ये हो सकता है। कोई भी बैंक अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के अप्रूवल से अप्रूव्ड है तो यहां पे आ सकता है। ऑल दीज कैन बिकम अ डायरेक्ट मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी इफ गवर्निंग बॉडी अलाउज। ऑल दीज कैन बी डायरेक्ट मेंबर, ये सीधा मेंबर हो सकते हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई भी शेयर होल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने इनके इन सबके बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर होल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मेंबर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगली चीज को हम जाते हैं स्टेप फाइव के अंदर। अगर आप स्टेप फोर में क्वालिफाइड हो एज आर्टिफिशियल पर्सन तो फाइव में कंपनी टू बी मेंबर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है। सेबी के अंडर सेक्शन 12 में आपको लाइसेंस ग्रांट किया होना चाहिए एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने अभी सेक्शन नंबर 12 पढ़ा। बॉडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग और बींग एक्सपेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस मेंबरशिप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सेबी के हिसाब से डिफॉल्ट नहीं किया है, एक्सपेल नहीं किए गए हैं। साथ में मिनिमम 2 ईयर्स तक के इनको डीलिंग इन सिक्योरिटीज का एक्सपीरियंस चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस चाहिए। किसको चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब आप पहले यह कंप्लाई करो, पहले तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज में होल्डर चाहिए एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ में आप सेक्शन 12 में लाइसेंस लेने हैं, आपने नॉर्मल कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। साथ में उनको दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का इन सिक्योरिटी डीलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, तो ही जाके आप सिकरा के मेंबर बन सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के। ये चीज को याद रखना। सबसे आखिरी स्टेप 6, 85, 86 एंड 87, ठीक है, 85, 86 एंड 87, ये तीनों सबसेक्शन एक साथ आ रहे हैं स्टेप 6 में। कोई भी अदर पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है, जैसे फर्म मेंबर बनना चाहती है, तो फर्म के सभी पार्टनर ने 813 एंड 4 कंप्लाई करना है, जो हमने इधर 813 एंड 4 लिया था ना स्टेप 1, 2, 3, तो 813 एंड 4 ये सब कंप्लाई करना है फर्म के पार्टनर ने। एलएलपी मेंबर बनना चाहता है तो कंप्लाई विद द सेबी नॉर्म्स, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आर नॉट डिस्क्वालिफाइड इन पहला स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के अंदर, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टेड या एक्सपेल्ड नहीं होने चाहिए, और मिनिमम 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के, मिनिमम 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के सेम इंटरेस्ट, सेम ट्रेनिंग होना चाहिए, सिक्योरिटी डीलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, मिनिमम 2 डिजिग्नेटेड पार्टनर्स को 2 साल तक। यह है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट कैसा लगा बताना, कॉम्प्लेक्स है आई नो, पर जितना इजी कर सकता हूं मैंने इसको करने की कोशिश की है। गो फॉर इट फास्ट, ले लो स्क्रीनशॉट्स। हाँ बेटा, मेंबर वाला इंपॉर्टेंट है आदिति, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। जीए को गलती से भी बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल जय। जी फॉर घर का, जीए फॉर गलती, यू कैन मेक इट, पर जी में ऑलरेडी हमने मेमोरी टेक्निक दिया है इसलिए जीए में हम कोई नहीं दे रहे। सेबी का मॉडल अपडेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपका ओल्ड रिकॉर्डिंग है अक्टूबर नवंबर का निधि 2018 का, तो ऐसे सिचुएशन में आपने सेबी का मॉडल अपडेशन तीनों अटेम्प्ट का करना जरूरी है, ठीक है। अगला वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ये लंबे लंबे चार्ट, ये बड़े बड़े चार्ट करो, निकालो स्क्रीनशॉट, डन।
ले लो होल्ड, नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, डन, और लास्ट वाला डन। दीपक कुमार क्वालिफिकेशन बुक में नहीं है ये, पहले अगर आपका रिकॉर्डिंग है ओल्ड वाला नवंबर 19 के पहले का तो आपके बुक में नहीं होंगे, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं थे, वो बाद में इंसर्ट किए गए हैं। तो ये चार्ट आप रख लीजिए, ये काम में आएगा, और सेम जो मॉड्यूल में दिया है कंटेंट वो दीपक कुमार आप पढ़ सकते हो, सेम ही काम में आएगा। सो कुछ जिनका नवंबर 19 से पहले का रिकॉर्डिंग है उनके बुक में शायद ये नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त वो मॉड्यूल में भी नहीं था, तो मॉड्यूल में आया था तो उस वक्त हमने दिया इसको। साथ में अगर आपको चाहिए तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, ये चार्ट उसी पर से बनाया, हालांकि मेरे बुक में भी मॉड्यूल का ही चार्ट हमने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन दिस इज अ डेवलप्ड चार्ट जो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा। यहाँ पे आपका एक और लॉ खत्म होता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। कोई क्वेरी है तो 2-4 मिनट तक पूछो, और लाइक्स ठोको जिंदगी में, 250 लाइक्स तो भी बनाओ, कम से कम 319 लोग है, लाइक बनाओ, ऐसा कैसे चलेगा दीदी दादा, जल्दी फटाफट लाइक बनाओ, उसके बाद में क्वेरी है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। विक्रम फेमा ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर 1 डे यूट्यूब के ऊपर है, पूरे लेक्चर हम डाल नहीं पाएंगे, वेरी सॉरी। मॉड्यूल ऑपरेशन लेक्चर देखना है बेटा मंजूषा, उसके अंदर नोट्स दिए हैं, वो सब एक बार पढ़ने हैं, कम से कंपलसरी एक बार, कम से कम सबने पढ़ने हैं मॉड्यूल ऑपरेशन के नोट्स कंपलसरी एक बार। उसके अंदर इंटरेस्ट, इंपोर्ट और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेरा लेक्चर आएगा कल परसों में ही, ठीक है, हो सकता है तो मैं उसके लिए भी लाइव सेशन लेने की कोशिश करूंगा। कौन से नोट सीरी, यहां किसी नोट्स की बात नहीं चल रही, आपके पास जो नोट्स है उसमें से ही 1 डे रिवीजन करना है। हम मॉड्यूल अपडेशन एग्जिस्टिंग जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहे हैं बेटा। ओल्ड मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के ओल्ड और न्यू मॉड्यूल में बहुत डिफरेंसेस है, तो मैं एक ऐसा लेक्चर निकालता हूं, ऐसे नोट्स देता हूं कि ओल्ड और न्यू मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है May 20 के लिए। ये आई गेस पूरे इंडिया में मैंने अकेले नहीं किया है, सो अगर किसी को डाउट है कि ओल्ड और न्यू मॉड्यूल में दिक्कत क्या है, अगर मुझसे नहीं भी पढ़ा है तो भी मेरे वीडियो लिस्ट के अंदर जाना या यूट्यूब पे सर्च करना, सर्च बॉक्स में मॉड्यूल अपडेशन लेक्चर बाय दर्शन खरे, तो आपको लेक्चर मिलेगा, उसके नीचे नियरली 30-40 पेजेस के नोट्स है जो ओल्ड मॉड्यूल और न्यू मॉड्यूल में डिफरेंस है और जो May 20 के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप किसी से भी पढ़े हो फिर भी वो रखो, सेफ साइड, आपने एक बार उसको रीड करना चाहिए, ये आपके काम में आएगा। चलो डन हो गया सबका, लेट्स गो। तो अभी हम ब्रेक ले लेंगे बच्चों, और ब्रेक हम 4:10 हुए हैं, सो वी विल मीट बैक आफ्टर हाफ एन आवर, तो नियरली हम 4:35 या 4:40 के ऊपर हम मिलेंगे, 4:45 को हम स्टेट में मिलेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर्स जो कवर करने वाले हैं वो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, फिर उसके बाद में फॉरेन कंपनी, और बचा समय तो रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये चार चैप्टर, बाकी और कोई चैप्टर कवर नहीं होगा, मैं पहले ही बोलता हूँ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कवर नहीं होगा, प्लीज इसके लिए मत पूछिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में इसको 2-3 बार पूछा गया है तो इस बार शायद कम आएगा। निधि कंपनी का ऑलरेडी लेक्चर मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, सर्च कर सकते हो यूट्यूब में अंदर, मेरे को लिंक ना मांगिएगा, मैं पर्सनली किसी को नहीं सेंड कर पाऊंगा। और वाइंडिंग अप हम कवर नहीं कर सकते बिकॉज मार्क्स बहुत कम है और वेटेज बहुत और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है उसमें, तो आप खुद वाइंडिंग अप पढ़ सकते हो, किसी को क्वेरी है तो मेरे क्वेरी नंबर के ऊपर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। सो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए तो ठोको लाइक, 200 तो कंप्लीट करो, निकम मोन लायक हो, ठीक है। सो अभी हम मिलेंगे सीधा 4:45 को, उसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, फॉरेन कंपनी, समय बचता है तो रिमूवल ऑफ कंपनी, स्पेशल कोर्ट हो सकता है तो स्पेशल कोर्ट देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं जितने होंगे, आज का लास्ट डे है, जितने चैप्टर हो सकते हैं करेंगे, देखेंगे, ठीक। चलो सो गुड डे, खाना वाना खा लीजिए अच्छे से, गॉड ब्लेस यू। 322 लोग मिलके 200 लाइक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हे ये तुम्हारी बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, अथू, अरे हो गए हो गए, थैंक यू सो मच, हो गए हो गए, अथू वापस, अथू वापस, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे।